24 सिटी में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं देश दुनिया के ताजा समाचार। दिल्ली के नजफगढ़ थाने पहुंची हरियाणा की प्रसिद्ध लोक कलाकार सपना चौधरी ने कोरोना की जंग में शामिल पुलिस कर्मियों का हौसला बढ़ाया। इसके बाद पुलिस कर्मियों द्वारा जरूरतमंदों को बांटे जा रहे खाने की व्यवस्था देखी। लोगों को मुंह ढकने और सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए जागरूक किया। सपना ने कहा कि कोरोना की महामारी में पुलिस जिस प्रकार अपनी ड्यूटी निभा रही है वो काबिले तारीफ है। सपना चौधरी ने कहा कि कोरोना महामारी के दौर में आज दुनिया के बड़े से बड़े लोग घरों में बैठे हैं, पर हमारे यहाँ तो दारूबाजों ने सारी हदें पार कर रखी हैं। बिना वजह सड़कों पर घूमते हैं। उन्होंने दारू खरीदने वाले लोगों को हरियाणवी अंदाज में कहा कि सब बावली बोछाएं, बस इन्ना तो मरण का मतलब है, पी के मरो चाहे कोरोना से। मैम, आज आप नजफगढ़ थाने में आए हैं, तो यहाँ आने का क्या मकसद है? यहाँ आने का मकसद है कि हर कोई ये बोलता है कि पुलिस वाले क्या करते हैं, पुलिस वाले क्या करते हैं। कई लोग कहावत भी बड़ी मशहूर की हुई है लोगों ने, पुलिस वालों से तो दोस्ती भी बुरी और पुलिस वालों की दुश्मनी भी बुरी। लेकिन ये एक एग्जाम्पल सेट है कि आपकी सोच, आपकी मेंटलिटी, आप जिस तरीके के इंसान हो उस पर डिपेंड करती है। और अगर आप घूम फिर के देखोगे तो हर कोई काम करता व्यक्ति पहले एक इंसान है। और आप आज यहाँ घूम के देखोगे तो हर एक पुलिस वाले के लिए आपकी इज्जत और दुगनी हो जाएगी। मैम, कोई मैसेज देना चाहेंगे जो ये कोरोना से मतलब लोग परेशान हैं, पुलिस वालों के लिए, डॉक्टर्स के लिए, आम जनता के लिए? जो लोग परेशान हैं कोरोना से वो अपने घर में बैठे हैं मैम। जो लोग परेशान नहीं है, जिनको ये मजाक, जिनको ये हवा और जिनको ये बड़ा अच्छा सा जोक लग रहा है वो बाहर घूम रहे हैं, और जिनको किसी की फिक्र नहीं है, कुछ बड़े अजीब तरीके के लोग जिन्हें मैं आम भाषा में कहूँ तो बावड़ी पूछ है, जिनको कोई लेना देना नहीं है इस धरती के लोगों से। और मेरे को लगता है जादू का जब स्पेसशिप उतरा था उसमें से ही छोड़ गया होगा वो उनको, और वो वापस लेने ही नहीं आया। और अभी भगवान बुला रहा है तो अभी वो भगवान के पास ही जाने को हो रहा है। तो इस तरीके के लोगों को मैं समझा के भी नहीं समझा सकती। लोग मेरी क्या सुनेंगे, प्रधानमंत्री की नहीं सुनते। बोलते हैं कि सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके रखो भैया, मेंटेन करके रखो भैया। दारू के ठेकों पे इतनी लाइन भाई साहब, मैंने मंदिरों में नहीं देखी है। मतलब कर क्या रहे हो आप? आप लोगों का दिमाग घास चरने चला गया है। आप में और जानवर में अभी फिलहाल कोई फर्क नहीं है जहाँ तक मैं कहूँगी। मैम, पर दारू के ठेके भी मतलब सरकार ने ही बोला है, अनुमति दी है खोलने के लिए, एक टाइम ड्यूरेशन रखना चाहिए। हाँ, टाइम ड्यूरेशन रखना चाहिए, गैप रखना चाहिए, चीजें देखनी चाहिए। मतलब पेटियां भर भर के कौन लेके जाता भैया? लोग अपने साथ सूटकेस लेके आ रहे हैं कि हम कोटा भर के लेके जाएंगे। मतलब पीपी के मरना है, वैसे नहीं मरोगे तो पीपी के मरोगे? तो कौन सी मतलब लोगों को मैंने कहते सुना कि हमें बिना दारू पिए नींद नहीं आ रही है। ऐसी क्या चीज हो गई भाई? मैं तो आराम से सो रही हूँ। मतलब हो क्या रहा है, समझ नहीं आ रहा मुझे। मैम, 24 घंटे में 4000 केसेस सामने आए हैं, मतलब ये जो कोरोना का है केसेस वो बढ़ते ही जा रहे हैं, तो इसको आप कैसे देखते हैं? मैम, अभी तो 4000 आए हैं, आगे 10000 आएंगे। जिस तरीके की सिचुएशन है, जिस तरीके से हमारे इंडिया के लोग एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो मेरा तो ये मानना भी आगे बहुत हद खराब। मैम, आपका जो एरिया आता है तो उसमें किस तरीके के लोग हैं, मतलब और किस तरीके से आप उनकी हेल्प कर रहे हैं? हमारा जो एरिया आता है, यहाँ हर तरीके के, हर तबके के लोग हैं। दो तीन बहुत अमीर भी हैं, बाकी हमारे जैसे मिडिल क्लास है। और मैं अपने आप को हमेशा ही मिडिल क्लास मानती हूँ। पैसे से आपकी कभी भी नीयत या आपकी सीरत नहीं नापी जा सकती। नापा जाता है कि आप इंसान किस तरीके, उसमें मैं बड़ी अच्छी हूँ। हाँ, ये ज़रूर कहूँगी कि यहाँ पे हर तबके के लोग हैं। और रही मदद करने की, मैं मदद करने उठी थी। मेरी हमेशा से यही आदत है कि मैं जो भी करती हूँ, मुझे छुप के करने की आदत है। मैं लोगों को दिखा के नहीं कर सकती कि हाँ मैंने ये किया है, मैंने वो किया है, तो मेरी आदत नहीं है। जो लोग करते हैं वो भी सराहनीय है, करो, शायद लोगों का उत्साह बढ़ता होगा दूसरों को देख के। लेकिन मुझे ये चीज़ ठीक नहीं लगती पर्सनली। मुझे लगता है कि अगर आप किसी के लिए कुछ कर रहे हो तो उसे
शो ऑफ मत बनाओ कि हाँ मैंने इतना बड़ा पहाड़ तोड़ा है, सब एक दूसरे के लिए यहाँ करते हैं। और यही नियम है कि अब जितना करोगे उतना आपके लिए कोई करेगा। तो मैं जितना भी कर रही हूँ मैं उसको गाने के लिए नहीं कर रही हूँ। हाँ, जहाँ तक मेरा मन है, जहाँ तक मुझे लगता है कि मैं कर सकती हूँ वहाँ तक मैं करती हूँ, चाहे वो मास्क बांटना हो, सैनिटाइज़र देना हो। और गरीबों की मदद के लिए मैं आपको एक बताऊँ, हमारे यहाँ पे शायद 3-4 जगह खाना बंटता है, 3-4 जगह से ही एक गरीब व्यक्ति 3-4 प्लेट खाना लेता है। जिसका उसको टेस्टी लगता है वो खाता है, बाकी 2 प्लेट वो फेंक देता है। बस ये सोचना एक गरीब व्यक्ति के लिए, मैं ये नहीं कहूँगी कि वो अपनी जगह गलत है, शायद उसका लहीजा इस तरीके का होगा, उसका दिमाग इस तरीके का होगा, लेकिन वो 2 प्लेट किसी इस सिचुएशन में किसी और व्यक्ति के लिए काम आ सकते। मेरा दिल उठ गया, मैंने खाना बांटना बंद कर दिया। मैं बिल्कुल नहीं बांट सकती क्योंकि इस तरीके के लोगों को मैं खाना नहीं खिला सकती। हाँ, ये कहूँगी कि जो लोग इस वक्त सिचुएशन में हमारी हेल्प कर रहे हैं, पुलिस कर्मी, डॉक्टर कर्मी, हमारे सफाई कर्मचारी, इनकी ज़रूर मदद करनी चाहिए, और वो मैं कर रही हूँ। गरीबों को खाना मैं नहीं खिला सकती, मैं हाथ जोड़ती हूँ। जिस तरीके की मैंने सिचुएशन देखी है मैं बिल्कुल नहीं खिला। न्यूज़ फॉर सिटी के लिए जगजीत सिंह के साथ रवि डालमिया की रिपोर्ट।